नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल फार्मिंग वर्क में। जैसे कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं, परवल की अधिक मात्रा में खेती आप लोग किस प्रकार कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि आप परवल की खेती किस प्रकार कर सकते हैं अधिक मात्रा में, जो बिहार में और यूपी में की जाती है। तो आप लोगों को बता दें कि आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लेना, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। तो आप लोग देख पा रहे हैं, ये परवल का फूल है जो काफ़ी मात्रा में बरसात के समय में ऐसा होता है, बारिश की वजह से ये मर जाते हैं। इनके रोकथाम के लिए हमने वीडियो ऑलरेडी बना कर रखी है, जा कर के आप होम पेज पर देख सकते हैं। आप सभी को अगर इसकी लताएं यानी कि शाखाएं बढ़ाना है, जो लत होती है इसे बढ़ाना है, तो आप लोग इसकी क्या करें कि ये जो शाखाएं की पलाई होती है इसे आप लोग कट कर दीजिए। जितना कट करेंगे उतना ज़्यादा शाखाएं निकलेंगी इस परवल की खेती में। आप लोग को बता दें कि परवल की खेती किस प्रकार की जाती है। परवल की खेती, परवल का पौधा लगाया जाता है, जो लताएं होती हैं उन्हें ज़मीन के अंदर गड्ढे बना करके लगाना पड़ता है। लगाने के बाद आप लोग लताएं जब ये निकलने लगती हैं, तब आप लोग हमारे जो इस खेती देख पा रहे हैं, नीचे पत्ती, गन्ने की पत्ती बिछा दी जाती है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। और इसी में हम लोग जो मिर्च की भी खेती करते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, बीच बीच में हमने मिर्च की खेती कर रखी है। तो आप लोगों को सिर्फ इसी प्रकार करना है। और आपको दिखा दें, ये है लताएं, ये मेरा खेत है जो आप लोग देख पा रहे हैं। परवल की अच्छी ग्रोथ लेने के लिए आप लोगों को इसी प्रकार करना पड़ेगा। आप लोग जब परवल को बोते हैं, तो परवल जब लताएं फैलने लगती हैं, तब हम लोग नीचे पत्ती बिछा देते हैं, ताकि खरपतवार नीचे से ना निकले। अगर वीडियो आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।